वन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक है, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ये तो आपको मालूम होगा, फ्रेंच स्कूल जाने का क्यों नहीं सोच रहा था, व्हाई वाज नॉट रेडी, क्योंकि एम हेमेल ने उसको पार्टिसिपल के रूल याद करने के लिए दिया था और उसको तैयार नहीं था। सेकेंड है, वाई वॉज फ्रेंच नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे। स्कूल लेट पहुंचने के कारण भी उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिला। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, यूजली देयर वॉज ऑलवेज अ ग्रेट बसल। स्कूल जाने के लिए फ्रेंच शोरगुल पर डिपेंड रहता था, क्योंकि जब शोरगुल होता था तब उसे लगता था स्कूल खुला हुआ है और वो स्कूल पहुंच जाता था बिना इधर उधर देखे। लेकिन उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह शांति थी, इसीलिए उसे अंदाज़ा नहीं लगा कि स्कूल खुला हुआ है। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब चूंकि एम एम एल का ये लास्ट लेक्चर था, इसलिए उसने पनिशमेंट नहीं दिया। इसके बाद है, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। उसे क्लास में क्या देख के आश्चर्य हुआ। सबसे पहले तो उसने देखा कि फ्रेंच एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और दूसरा देखा, एम हेमल वाज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल। एम हेमल को पार्टिसिपल को कुछ क्वेश्चन पूछना था और फ्रेंच को कुछ भी याद नहीं था, और उसने पहले ही देख लिया था कि टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हैं और वहाँ पर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं। वो न्यूज़ क्या था? वो न्यूज़ ये था कि फ्रेंच को वो न्यूज़ ये था कि अगले दिन से जर्मन का आधिपत्य हो जाएगा और एल्सिस और लोरेन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई वर सम एल्डरली पर्सन ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस। बैक बेंचेस पर कुछ बूढ़े लोग, गांव के लोग क्यों बैठे थे? गांव के लोगों को यह अफसोस था कि वो पिछले 40 साल से एम एम एल की बात नहीं सुन रहे थे। एम एम एल पिछले 40 साल से लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि एम एम एल का आज लास्ट लेक्चर है, तब वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए बल्कि वहाँ पर एक सम्मान देने के लिए वहाँ पर आए थे। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था। थंडर क्लैप ये था कि जब एम एम एल ने अनाउंस किया कि जर्मन का एक क्या ऑर्डर है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सभी स्कूलों में, ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेस, स्कूल एल्सेस और लोरेन के सभी स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो और वो उनका आखिरी दिन है, ये जो है एक वज्रपात की तरह था सबके लिए और सभी लोगों को बहुत इस पर दुख हुआ। हाउ आर द पेरेंट्स, मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ। हाउ आर द पेरेंट्स एंड एम एम ए रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रेंस नेग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल थे और एम एम एल ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि फ्रेंच ने याद नहीं किया लेसन, तो इसके लिए सिर्फ फ्रेंच ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि हम सब हैं। एम एम एल ने कहा कि सिर्फ फ्रेंच ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की, तुम्हें खेतों में भेजा, और मैंने भी कई बार तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेजा, और कई बार मुझे जब मछली मारने का मन हुआ तो मैंने तुम्हें छुट्टी कर दी। इस वजह से हम सब लोग जिम्मेदार हैं। उसने सिर्फ फ्रेंच को दोष नहीं दिया। आगे देखते हैं, व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। स्टे अवे मतलब वो क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता था, क्यों स्कूल से दूर रहता था? क्योंकि एम एम एल आयरन रूलर से पिटाई करते थे और उसे पार्टिसिपल याद नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि पर्शियन सोल्जर वहाँ पर शामिल के पास घूम रहे हैं, तब उसने फिर उसने तेजी से स्कूल भागना शुरू कर दिया। हु डिड एम एम एल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ लाइक फ्रेंच। किसको एम एम एल ने दोष दिया लर्निंग ना करने का? उसने कहा कि नॉट ओनली फ्रेंच वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वन, बट एवरी वन, पेरेंट्स एंड टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट लर्निंग लेसन।
वट डिड एम हेमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है एम हेमल ने? एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है संसार की सबसे ब्यूटीफुल भाषा है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। कहा ये जो मातृभाषा होती है जेल से निकलने की चाबी होती है। जब भी कोई लोग गुलाम होते हैं तो वो अगर वो अपनी मातृभाषा को जानते हैं तो कई लोगों के बीच में यूनिटी होता है और फिर आज़ादी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटिंग इन द क्लासरूम, ये भी हो गया पहले से। हाउ डिड फ्रेंच एंड अदर बॉयज इंजॉय देयर लेसन इन राइटिंग, फ्रेंच और दूसरे जो बच्चे थे वो राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिख रहे थे। फ्रांस उनकी कंट्री का नाम था, एल्सेस विलेज का नाम था। जो बच्चे थे वो इतनी शांतिपूर्वक लिख रहे थे कि किसी बीटल्स के आने की भी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ पेपर पर पेन चलने की आवाज़ आ रही थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया कमरे में और क्या हो रहा है। हाउ डिड एम एम एल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, कैसा वो महसूस कर रहा था? एम एम एल बहुत ही शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था और उसने वो हर सामान को बहुत ध्यान से देख रहा था। ही गेज्ड एट द वन थिंग, एक एक चीज़ को उसने देख रहा था क्योंकि पिछले 40 साल से वो एक ही जगह पढ़ा रहा था। उसने देखा कि डेस्क और बेंचेस काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। एम एम एल फील ओके, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब फ्रेंच को एक हिम्मत आ गई थी, एक साहस आ गया था हर लेसन को सुनने का। इसके पहले वो पढ़ाई से भागता था लेकिन उस दिन उसे ऐसा लगा कि जो किताबें हैं उसकी पुराने दोस्त हो गई हैं। और एम एम एल बहुत एक आइडियल पर्सन दिखाई दे रहे थे, एक लगाव हो गया उसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज लिंग्विस्टिक शाविनिज्म, एक वर्ड आया लिंग्विस्टिक शाविनिज्म, ये सी एच है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन शाविनिज्म कहेंगे। ऑफ द प्राउड कॉन्करर, यानी जो विजेता थे, यानी जो जर्मन सोल्जर्स थे या पर्शियन सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने लिंग्विस्टिक शाविनिज्म का प्रदर्शन किया। उन्होंने विलेजर्स पर यह थोप दिया कि तुम्हें जर्मन भाषा सीखनी है, क्योंकि ऐसा वो इसलिए इम्पोज करते थे अपनी सुपियॉरिटी दिखाने के लिए। द पेन इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ टेरिटरी, मतलब वहाँ के लोगों पर ये जो भाषा थोपी जा रही थी, ये जो दर्द है, ये जो एहसास है, ये इस बुक में दिखाया गया है चैप्टर में। बाई टेकिंग अवे राइट टू स्टडी और स्पीक, मतलब उनको अपनी भाषा को बोलने और लिखने का अधिकार छीन लिया गया था। एंड दस मेक देम एलियन इन देयर ओन हैंड लैंड, और इस तरह उनको अपने ही गाँव में वो अनजान से बन गए थे। द स्टोरी हैज ए सब थीम ऑल्सो, इट हाईलाइट द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, सब थीम ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, एंड टीचर टू लर्निंग एंड टीचिंग, एक टीचर का क्या एटीट्यूड होता है और किस तरह से वो टीचिंग करता है, कितनी मेहनत करता है। दो द स्टोरी इज लोकेटेड इन पर्टिकुलर विलेज ऑफ एल्सेस एंड एल्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के गांव एल्सेस में ये चल रही है कहानी, विच हैड पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड, जो कि पर्शियन के हाथ में चला गया था। इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, इट हाईलाइट द एफर्ट्स ऑफ द विलेजर्स एंड एम एम एल। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।